हेलो एवरीवन, आज बात फिर से कंप्यूटर के ट्यूटोरियल में यानी इस क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया था, जहां मार्कशीट है वहां पे जाइए, जहां सेव है, और वहां पे रिजल्ट का फॉर्मूला एक बार मेरे साथ साथ चेक कर लीजिए। सारी हेडिंग्स J1 में रिजल्ट है, J2 में हम रिजल्ट, J2, J3, J4, J5 इसी तरह बताया था कि J11 तक आप रिजल्ट लगा सकते हैं। मतलब रिजल्ट क्या होगा, पास या फेल, इसका मतलब होता है कि अगर 40 से नीचे है तो फेल होगा, और 40 या 40 से ऊपर है तो पास होगा। तो इसका एक बार फॉर्मूला रिपीट करती हूँ। मान लीजिए J4 तक मैंने बताया था, तो J5 का बताती हूँ। इक्वल इफ़ लेफ्ट पेरेंट, ठीक है, J5 में निकाल रहे हैं हम ये, इक्वल इफ़ लेफ्ट पेरेंट, अब बेस किसको बनाएंगे, परसेंटेज, तो I5 लेस देन 40, क्लोट फेल, क्लोट फिर कॉमा, फिर क्लोट ओपन, पास क्लोट क्लोज, राइट पेरेंट। दोबारा सुन लीजिए, इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, फिर उसके बाद परसेंटेज वाला सेल जो भी होगा, चाहे आप जो रो नंबर में, J6 में तो I6 होगा, J7 में तो I7, लेस देन 40, फिर कोट ओपन करेंगे, फेल लिखेंगे, कोट क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, फिर कोट ओपन करेंगे, पास लिखेंगे, कोट क्लोज करेंगे, राइट पेरेंट, ये आपका रिजल्ट का होगा। इसी तरह K1 में हमने लिखा था डिवीजन, और K2 में निकालेंगे, K2 से K11 तक, ये जहाँ तक, यहाँ हमने 10 लोगों का एग्जाम्पल लिया है इसलिए हम K11 तक कह रहे हैं, बाकी जहाँ तक आपका जी चाहे आप वहाँ तक डिवीजन निकालें, जितने बच्चों का चाहे उतने बच्चों का निकालें, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं एक बार और रिपीट करूँगी कल भी, मगर आज भी बता दें। डिवीजन का मतलब होता है कि भाई आपका 60 या 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन है, 50 मतलब 60 या 60 से ऊपर है तो फर्स्ट है, कितना 60 से ऊपर फर्स्ट, 60 से नीचे यानी 50 से ऊपर है तो सेकंड, और 40 से ऊपर थर्ड, तीन ही डिवीजन होती है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, तो यानी अगर आपका 50 से नीचे है तो थर्ड है, 60 से नीचे है तो सेकंड है, और 70 से नीचे है यानी 60 या 60 के ऊपर है तो फर्स्ट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, K1 में डिवीजन है, K2 में डालेंगे, इक्वल इफ़ लेफ्ट पेरेंट, मैंने क्या बताया था, परसेंटेज वाले सेल को बेस बनाते हैं, इक्वल इफ़ लेफ्ट पेरेंट, फिर उसके बाद I2 लेस 40 कॉमा क्लोट ओपन फेल क्लोट क्लोज कॉमा, ये पहली कंडीशन है। फिर दोबारा से इसी में ही इफ़ लेफ्ट पेरेंट हो गया, फिर I2 लेस 50 कॉमा फिर क्लोट ओपन फिर थर्ड क्लोट क्लोज कॉमा, ये दूसरी कंडीशन है। फिर तीसरा होगा ये तीसरा होगा कॉमा लगा दिया, इफ लेफ्ट पेरेंट उसके बाद आई टू के बाद लेस 60 कॉमा क्लोट सेकंड क्लोट क्लोज कॉमा, तीन कंडीशन हो गई है ना। अब चौथी कंडीशन होगी इफ लेफ्ट पेरेंट, है ना, इक्वल शुरू में बस फॉर्मूले में एक ही बार लगता है, अब सब जगह इफ लग रहा है, इफ लेफ्ट पेरेंट तो I2 लेस 70 कॉमा क्लोट ओपन फर्स्ट क्लोट क्लोज कॉमा, हम यहाँ पे लिखे क्लोट ओपन डिस्टिंक्शन, क्या डिस्टिंक्शन, क्लोट क्लोज, और क्लोट क्लोज करने के बाद 4 times राइट पेरेंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को दोबारा समझ लीजिए, इसमें कंडीशंस लगती हैं, क्या लगती हैं कंडीशंस, जैसे कि अब हमने जो रो नंबर होगा वही परसेंटेज वाला रो नंबर भी लिया जाएगा। अब जैसे हमने K2 में लगाया K3 में लगेगा, तो इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, क्या इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, ये हर कंडीशन में सेम रहेगा। अब क्या परसेंटेज वाला भी सेम, इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, अब J3 में निकाल रहे हैं तो I3 क्या सेम रहेगा, मतलब जो रो नंबर है उसी के हिसाब से परसेंटेज वाला सेल लेंगे, तो ये I में हमने निकाला है परसेंटेज तो I3 हो जाएगा, इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट I3 लेस 40 कॉमा क्लोट ओपन फेल क्लोट क्लोज कॉमा, पहली कंडीशन। फिर इफ लेफ्ट पेरेंट I3
लेस 50 कॉमा क्लोट ओपन थर्ड क्लोट क्लोज कॉमा, ठीक है ये आपका हो गया। कोट में क्या लिखा, कोट में यहाँ पे थर्ड लिखा था, हो गया। अब तीसरा कंडीशन, लेफ्ट पेरेंट, इफ लेफ्ट पेरेंट आई 3 लेस 60 कॉमा कोट सेकेंड कोट क्लोज कॉमा, ये हो गई तीसरी कंडीशन। फिर उसके बाद सेकेंड, इफ लेफ्ट पेरेंट आई 3 लेस 70 कॉमा कोट फर्स्ट कोट क्लोज कॉमा, फिर कोट डिस्टिंक्शन कोट क्लोज चार बार राइट पेरेंट, ये आपका फॉर्मूला है। एक बार और बताती हूँ, आई 4 के 4 में लगाना है तो अब आई 4 का बेस बनाना होगा। इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट आई 4 लेस 40 कॉमा कोट ओपन फेल कोट क्लोज कॉमा, पहली कंडीशन, बिना स्पेस के दूसरी कंडीशन लगेगी कि इफ लेफ्ट पेरेंट आई 4 लेस 50 कॉमा क्लोट थर्ड क्लोट क्लोज कॉमा, दूसरी कंडीशन बिना स्पेस के लगेगी, तीसरी कंडीशन स्पेस नहीं देते हैं, इफ लेफ्ट पेरेंट आई 4 लेस 60 कॉमा क्लोट सेकेंड क्लोट क्लोज कॉमा, तीसरी कंडीशन हो गई। अब इफ लेफ्ट पेरेंट, इफ लेफ्ट पेरेंट के बाद इफ लेफ्ट पेरेंट आई 4 लेस, तीन कंडीशन हो गई थी ना 60 तक, सेकेंड तक हो गया ना, आई 4 लेस 70 कॉमा क्लोट फर्स्ट क्लोट क्लोट क्लोज कॉमा, फिर क्लोट अगेन लेंगे और डिस्टिंक्शन क्लोट क्लोज, तो चार बार राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। इसको रिवाइज कीजिए, कल भी मैं इसी फॉर्मूले पर बात करूंगी रिजल्ट और इसको रिवाइज करवाऊंगी, फिर परसों हम ग्रेड का करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, ट्यूटोरियल्स को गौर से सुनिए और प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए, कहाँ समझ में ना आए कहीं पर तो आप फीडबैक अपना दे के बता सकते हैं कि जो भी पूछना है। तो थैंक्स, प्रेडिक्शन एटलीस्ट समझ में तो आएगा, मैंने आज भी करवाया और कल भी करवाऊंगी, तो कोई परेशान होने की तो जरूरत है ही नहीं। ओके थैंक यू।